प्रेम छो नमस्ते सत श्री अकाल। इधर ये है रेडीमेड रोटी मोटा, इसको मैं कर रही हूँ गरम। यहाँ इधर मैं बना रही हूँ दोबारा चाय। एक बार चाय बना के ख़त्म हो गया, फिर से दोबारा बना रही हूँ इनके लिए। थोड़ा सा मैगी पी लूँगी, इसमें अदरक वदरक डला हुआ। ये है रोटी, इसको गरम करेंगे। ये तंदूर में बनता है, रेडीमेड रोटी है ये। कभी कभी सब खाना ये पसंद करते हैं तो ले आते हैं। ये फ्रीज बंद करो, सॉस सॉस नहीं खाते हैं, सॉस को खाली चाट रही ले करके। जो ये घी लगा दे रहे हैं, घी से अच्छा सॉफ्ट नरम हो जाएगा, टेस्ट भी अच्छा लगेगा खाने में। ये घी को मैं चुपके से यूज़ कर रही हूँ, क्योंकि ये सिर्फ पापा यूज़ करते हैं, तो पापा का ये है घी, इसको मैं यूज़ कर ले रही हूँ थोड़ा सा। ये चाय उबलने ही वाला है, नहीं चाय के साथ ही मिलेगा, नहीं जहर जहर मांगे थे आदमी, जहर दे दिए इनको खाने के लिए। ये है अमृत, ये बेटी के लिए अमृत। ये ठंडा हो चुका था चाय, गर्म करने के लिए डाले थे, इसलिए दिख रहा पहले से चाय चाय। थोड़ा सा चाय बचा तो मैं भी ले लूँ, एक बार तो पी चुकी हूँ लेकिन दोबारा थोड़ा सा पी ले रही। गाय देखो वहाँ पर मम्मी गई है, देखे अभी मम्मी पोछा लगाएंगी। यहाँ बहुत ज्यादा डस्ट हो चुका है गाइस, अस्सलामुअलैकुम। ये देखे मौसम कितना अच्छा है, और मम्मी अभी मौसम अच्छा नहीं है, मौसम धूप धाप वाला है। हाँ मौसम धूप धाप वाला है, और मम्मी ना यहाँ पास ना पोछा लगाएंगी। मम्मी अभी झाड़ू भी नहीं लगाई है क्या यहाँ? झाड़ू है? झाड़ू नहीं लगा, ये गंदा दिख रहा है जमीन। हाँ गंदा गंदा दिख रहा है ना, डस्ट डस्ट। हाँ तो ज्यादा डस्ट नहीं करी तो झाड़ू लगा दे। मैं सोच रही हूँ डायरेक्ट बस पोछा लगा लेते हैं अच्छे से समेट के। पोछे में तो वो चिपक जाएगा, फिर निकल जाएगा। हाँ पानी में धोते रहेंगे ना, साफ हो जाएगा। हाँ देखो वहाँ पर से पूरा मम्मी आएंगी ऐसे लगाते हुए, और मैं गाइस आप वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए, और शेयर कीजिए, और कमेंट कीजिए, और फॉलो कीजिए, और वीडियो में सदफनास ब्लॉग में बने रहिए। ये देखो वहाँ से पूरा साफ होगा ना, पूरा चमकेगा। यहाँ देखो मेरी बहन का फ्रॉक, ये रहा मेरी बहन का फ्रॉक, ये मम्मी का पट्टा। देखो पूरा डस्ट डस्ट हो रहे हैं, मम्मी अभी झाड़ू नहीं लगाई है, वो बाल्टी से मम्मी डुबा करके धोती है। हाँ ये देखो देखो मम्मी आ गई अभी पूरा अंदर का। ये देखो अंदर का, देखो मम्मी पोछा लगा रही है, लगाएंगी मम्मी पोछा, और मैं अभी पढ़ाई कर रहा हूँ। ये पूरा मैथ्स का क्वेश्चन आंसर पूरा डस्ट हट गया वहाँ पर का, अब ऐसे ऐसे आएंगी पूरा डस्ट हट जाएगा।
को पूरा चिपा कर कपड़े में, मतलब क्लीन होंगे पूरा क्लीन। तो वही दे देना ब्रेड के बदले मेरे को थोड़ा सा। इसको भी खाने के लिए चाहिए। अरे वो गाइस हमारा ये सैंडविच बना हुआ है, ये नहीं बर्गर, सॉरी बर्गर। गाइस ये रहा चाय सुबह के टाइम का, टाइम हो रहा है 4:30। मैं देख रही हूँ कि मैं तेरा ले रही हूँ। गाइस अभी फजीर का जो होता है अजान हो नहीं हुई है, हम लोग माँ बेटा टहल रहे हैं क्योंकि बाबू को भी उठाए हैं सहरी करने, तो ये इसको भी रोज़ा रखवाएंगे, फर्स्ट रोज़ा पहली बार। 7 साल का, कितने साल का हो बाबू? 7 साल का हो चुका है, 8 ईयर्स अभी कंप्लीट होने वाला, अभी टाइम है बहुत, लेकिन 8 ईयर्स का चल रहा है अभी ये मंथ, इसका अभी 8 ईयर्स कंप्लीट नहीं हुआ, अगस्त में होता है इसका बर्थडे 20 अगस्त, तो 7 साल का कंप्लीट हुआ था। इस बार पिछले साल ही रखवाना था, लेकिन जिस तरह इनका है ना हर चीज़ में सब्र नहीं है, खाने पीने में सारन बज रहा है, सारन तक रहता है पानी पीने का, पानी पी सकते हैं, इसके बाद 2 मिनट के बाद फिर अजा होगी ना, तब पीने का नहीं रहता है। तो इसको खिला पिला दी हूँ सब कुछ, उसके बाद आई हूँ मैं टहलने बाहर, घर के पास ही एक ग्राउंड है, यहाँ आए हैं टहलने, इसको टहला दूँगी, पानी वानी पिया है। क्या खाया बाबू? चाय ब्रेड भी खाया और ब्रेड का सी बर्गर बना के दी थी इसको। मैं कहाँ जा रही हूँ भाई? मस्जिद में, ऐसा रहता ना सारन बजने का, दूर तक पी। हाँ मतलब हम लोगों को पता चले कि हाँ सारन बज रहा है, पानी वानी फटाफट पियो, चाय वाय जो भी है फटाक से, 2 मिनट में, 2 मिनट भी नहीं रहता होगा, 1 मिनट टाइम रहता होगा, इतना हमको क्लियर मालूम नहीं है। बाबू को भी इधर लाए टहलाने, 5-10 मिनट टहलाएंगे, पानी वानी पी लिया है तो दिन भर नहीं कुछ खाएगा ना। साइकिल चाहिए बाबू को, साइकिल ही करना पड़ेगा। निन्नी से प्रॉमिस करवाया, रोजा रखूंगा तो साइकिल चाहिए भाई। कल तक क्या जाएगा? हाँ कल तक के कहाँ आएगा, कल तो 12 है ना। हाँ। निन्नी को जॉब जहाँ करती है जॉब से पैसा मिलता है, अभी नहीं ना, जब मिलेगा तो दिलाएगी। यहाँ तक टहल रहे हैं गाइस, गाइस को सलाम करो, आप सभी को रमजान मुबारक, आप सभी को रमजान मुबारक। फर्स्ट रोजा का सहरी कर चुके हैं, सहरी कर चुके हैं, और अल्लाह पाक सबकी रोजे को कबूल करेंगे, अल्लाह
रहमत का महीना, बस 5 मिनट और टहलेंगे फिर घर जाएंगे। साइकिल को तुम अपनी मर्जी से लेके निकल लोगे तो थोड़ी ना भाई, तुम्हारे लिए तो लॉक में करके चाबी अपने पास रखना पड़ेगा। तुमको कब देना है वो मेरी मेरे परमिशन से ले जाओगे ना साइकिल, तो तुम्हारे ऊपर छोड़ देंगे कि 24 घंटा लेके पार। सारे बच्चे तुम्हारे जैसे थोड़ी ना होते हैं, सब बच्चे अलग अलग। हाँ ऐसा थोड़ी ना बोली कि मैं चलाने नहीं दूंगी, दूंगी लेकिन उसका वक्त रहेगा देने का, वक्त टाइम। गाइस तो हमर ये आ गया हमारा घर, ऊपर में कपड़ा पसरा हुआ है ये वाला। मम्मी हर दिन एक बार आने रहेंगी ना? हर दिन एक बार आने रहेंगी ना साइकिल से लेकर?